हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी है, हेल्दी है और साथ में बनने में बहुत कम समय लेती है। तो आज हम बनाएंगे दो तरीके के ब्रेकफास्ट यहाँ पर, और बहुत कम समय में हम इसे बनाने वाले हैं आज। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को कैसे बनाना है हमें। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए ली है मैंने यहाँ पर मीडियम साइज की एक लौकी, और लौकी को धोने के बाद में अच्छे से मैंने कस लिया है इसे, और इसके बाद में हमने इसे एक बाउल में रख लिया। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद में हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और दो रेड चिली, शिमला मिर्च, दो शिमला मिर्च ली है मैंने, और दो गाजर ली है, और एक बड़ी प्याज ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च के यहाँ पर मैंने अंदर के सारे बीजों को साफ कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि कई लोग प्याज नहीं खाते हैं। शिमला मिर्च, गाजर और अदरक और रेड चिली, और इसके बाद में एक चम्मच हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून वो भी, और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि हमने चाट मसाला भी ऐड किया है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे यहाँ पर, और थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे। तो आप जैसा भी खाते हैं कम ज़्यादा मिर्ची, उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर दो चम्मच मीडियम साइज के बेसन ऐड करेंगे, ताकि बाइंडिंग हो सके इसकी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिलीव मी गाइस, ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में, और खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इसमें हम पानी बहुत थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए इसे। और ये देखिए, ये इस तरीके से बनकर हमारा तैयार हो गया है। और अब हम लास्ट में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर दो चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड किया है, और ये देखिए, ये बनकर हमारा तैयार है। हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अब हम इस मिक्सचर को अपने हाथों पर इस तरीके से रखेंगे और इसे कटलेट का शेप देंगे। इसी तरीके से हमें अपने सारे कटलेट को तैयार करना है, और ब्रेड क्रम्स से इसे कवर कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें अपने सारे कटलेट तैयार करने हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम करेंगे इसे डीप फ्राई। इस तरीके से हम अपने सारे बॉल्स या कटलेट इसमें डाल लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे। और इसी तरीके से हमें अपने पकौड़ों को भी सेकना है। आप इसको पकौड़े भी बना सकते हैं, इसके बहुत स्वादिष्ट लगते हैं चाय के साथ में। ये देखिए कितना सुंदर सिक्का है, और अब हम इसे निकाल लेंगे, और ऐसे ही हमें पकौड़ों को भी सेकना है। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली आप इसे कटलेट कहिए या बॉल्स कहिए, ये हमारे ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है, स्वादिष्ट और हेल्दी। तो इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने दो तरीके के ब्रेकफास्ट तैयार किए हैं। इसे आप पकौड़ों के रूप में भी बना सकते हैं। ये दोनों ही ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और न्यू रेसिपी के साथ में। टेक केयर।